देखिए मेरा एक ऐसा मानना है दीपक जी कि इसमें कोई देर सवेर की बात नहीं है, जब आए दुरुस्त आए। मैं कहता हूँ आज भी अगर सरकार जागी है तो निश्चित रूप से साधुवाद का पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी भी और आपका चैनल भी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके रिपोर्टर विकास चंद्रा की इस रिपोर्ट को भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, जिसने अपना सारा चैलेंज लेकर के भी पूरे मेवात में घुमा और एक एक व्यक्ति एक एक दलित परिवार के जो व्यथा थी उसको सार्वजनिक चैनल पर लाया। मैं यही मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वो सब देखा होगा और तभी वो सब चीजें उन्होंने बाकायदा स्वीकार भी की हैं। और मैं साधुवाद देता हूँ कि जिस तरह से गोकशी की घटना को रोकने के लिए उन्होंने कानून को सख्त करने की बात कही है, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही है, या धर्मादा बोर्ड बनाने के लिए और वहाँ के लोगों को अल्पसंख्यक माना है हिंदुओं को, इस बात के लिए भी मैं कहता हूँ साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है उम्मीद है कि जो IRB बटालियन बनाने की जो बात कही है दीपक जी, जिसकी मांग आप बहुत दिनों से कर रहे थे, वो मांग भी उन्होंने स्वीकार की है, जिससे कि राजधानी से मात्र 75 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसा अड्डा जो बनने जा रहा था, जहां पर के बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा एक हब बन रहा था वो, तो उन सब चीजों पर मुझे लगता है रोक लगेगी। ऐसा मैं मानता हूँ कि जब भी आए लेकिन कम से कम योजना कम से कम मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया।